स्टूडेंट क्लास सिक्स एंड इंटीजर्स एनसीईआरटी सॉल्यूशन एक्सरसाइज 6.2 पेज नंबर 128 का। अभी हमने 6.2 चैप्टर का एक नंबर सम था जो सॉल्व कर लिया था इसके पहले, जो हमने मैथ का सम किया था। अभी हम करने जा रहे हैं 6.2 चैप्टर का टू नंबर सेकेंड नंबर क्वेश्चन। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, यूज नंबर लाइन एंड एड द फॉलोइंग इंटीजर्स, यानी नंबर लाइन यूज करके यहाँ पे जो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं इनको हमको एड करके इंटीजर्स फॉर्म में बताना है। तो मतलब कि नंबर लाइन देकर हमें इस सम को सॉल्व करना है और क्या करना है, ऐड करना है, जो स्टेटमेंट आपको कह रहा है वो करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला सम क्या है, ए नंबर सम देखिए क्या कह रहा है, 9 प्लस माइनस 6, यानी कि 9 में हमें माइनस 6 को क्या करना है, ऐड करना है। किसमें, 9 में, 9 में हमें माइनस 6 को ऐड करना है। तो जब 9 में हम माइनस 6 को ऐड करेंगे तो क्या आंसर आएगा, तो इसे क्या करना है, नंबर लाइन के द्वारा करना है। मैं नंबर लाइन में भी समझा दूंगी आपको और बिना नंबर लाइन के भी समझा दूंगी। चलिए एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव माइनस सिक्स, ये हो गया। अब देखिए क्या कह रहा है कि नाइन में प्लस करना है माइनस सिक्स, और मतलब कि नाइन से हमें माइनस सिक्स को कम करना है, माइनस का मतलब कम ही करना है, नौ से हमें माइनस सिक्स को कम करना है। और अगर माइनस सिक्स को हम बोलें तो माइनस सिक्स में हमें नौ क्या करना है, ऐड करना है। तो आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि अगर हम किसी भी चीज को कम करते हैं इंटीजर्स लाइन में तो हम किधर जाते हैं, नेगेटिव की ओर जाते हैं, यानी कि लेफ्ट साइड जाते हैं। और ज्यादा करना होता है तो हम इसकी राइट साइड जाते हैं, यानी इंक्रीज के लिए हम राइट साइड में जाते हैं और डिक्रीज के लिए हम लेफ्ट साइड में जाते हैं। तब अगर हम मान लीजिए नाइन पे खड़े हैं तो उसमें से हमें क्या करना है, माइनस सिक्स को जोड़ना है, यानी माइनस करना है, इसमें से कम कर देना है। तो हम क्या करेंगे, नाइन से हम सिक्स कदम आगे चलेंगे क्योंकि हमें इसको कम करना है, डिक्रीज कम की ओर जाएंगे यानी लेफ्ट साइड जाएंगे। तो एक कदम चला, दो कदम, तीन कदम, चार कदम, पांच कदम, छह कदम, तो हम कहाँ पे आए, थ्री पर है, प्लस थ्री पर है। अब मान लीजिए कि आपका मन है कि नहीं हम माइनस सिक्स से करेंगे, आप किसी भी मेथड से किसी भी तरीके से कर सकते हो, आप सिक्स पे सिक्स पर भी कर सकते हो। तो सिक्स पर जाने पर क्या, माइनस सिक्स से हमें नौ क्या करना है, ऐड करना है। अगर ये कह रहा है कि माइनस सिक्स में नौ ऐड करना है, यानी कि हमें राइट साइड जाना है क्योंकि वो बढ़ा, ये बढ़ रहा है, माइनस सिक्स से अगर नौ को जोड़ेंगे तो बढ़ रहा है, और नाइन से अगर माइनस सिक्स को कर रहे हैं तो वो घट रहा है। तो जब घट रहा है तो हम लेफ्ट साइड जाएंगे, बढ़ रहा है तो हम राइट साइड जाएंगे। तो हम अब इसकी इस तरफ नौ कदम आगे चलेंगे क्योंकि ये प्लस करने बोला, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन। तो इधर से भी अगर हम गए तो हमारा थ्री आंसर आया, इधर से भी गए तो हमारा थ्री ही आंसर आया। तो इसका आंसर क्या आया, थ्री। अब अगर हम बिना नंबर लाइन किसे करते हैं, मान लीजिए सम क्या था, नाइन प्लस माइनस सिक्स, तो ये हमारा नंबर भी क्या है, प्लस में है और ये हमारा माइनस में है। तो मैंने इसके पहले जो हमने वीडियो बनाया था उसमें मैंने बताया था कि अगर एक हमारा जो इंटीजर्स नंबर हो पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो तो वहां पे क्या होता है, वहां पे आपका सब्ट्रैक्ट हो जाता है। एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव हो तो सब्ट्रैक्ट होता है। अगर हम नाइन में से थ्री को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, थ्री। और जो जिस नंबर का, बड़े वाले नंबर का जो साइन दिया जाता है वही साइन होता है। तो यहाँ पे बड़ा का जो साइन है वो है प्लस में, इसलिए हमारा आंसर प्लस थ्री आएगा। क्लियर हो गया, आपको अच्छे समझ में आया होगा, आया होगा। अगर नहीं तो प्लीज कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट जरूर करें। सेकेंड सम देखिए क्या कह रहा है, फाइव प्लस माइनस इलेवन, ठीक है। चलिए इंटीजर्स लाइन ड्रॉ करते हैं।
अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, प्लस में 5 भी है और माइनस में 11 है, तो हमें क्या करना है, माइनस 5 में से हमें माइनस 11 को निकालना है, घटा देना है, यानी हमें माइनस प्लस 5 में से माइनस 11 को कम करना है और माइनस 11 में से 5 को जोड़ना है, ये कह रहा है ना। चलिए हम यहाँ पे डाल लेते हैं पहले इंटीजर्स नंबर, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, -11, -12। अब मान लीजिए कि हम 5 पे खड़े हैं, प्लस 5 है ना, तो प्लस 5 से हमें क्या कह रहा है कि माइनस 11 मतलब कम करना है, हमें 5 में से माइनस 11 को कम करना है, तो कम करने के लिए क्या करेंगे हम, लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड चलिए 11 कदम चलते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, हमारा क्या मिला आंसर, -6 मिला। अब हम, अगर आप सोच रहे हो कि नहीं हम -11 से सवाल को सॉल्व करेंगे, तो चलिए कोई नहीं, इससे भी कर सकते हो, आपको जो इजी लगे आप उससे करो, पर इंटीजर्स लाइन के साथ ही करना है सबको। और दूसरा तरीका मैं बिना इंटीजर्स के इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अगर बोल दिया बिना इंटीजर्स लाइन के बनाने के लिए, तो आप इस तरह से भी कर सकते हो। तो यहाँ से हमें क्या करना है, 5 कदम ज्यादा, -11 से हमें 5 कदम ज्यादा करना है, प्लस मतलब ज्यादा, ज्यादा के लिए हमें क्या करना है, किस साइड जाना है, हमें राइट साइड जाना है, तो 1, 2, 3, 4, 5। नाउ देखिए हमारा आंसर क्या आया, -6। अगर हम इधर से 5 से अगर 11 कदम जा रहे हैं तो -6 आ रहा है, 11 से 5 कदम अगर हम उधर जा रहे हैं तो हमारा माइनस, अगर हम 11 से 5 कदम जा रहे हैं तो हमारा -6 आंसर आ रहा है, 5 से अगर हम 11 कदम जा रहे हैं तो हमारा -6, यानी कि इसका आंसर क्या आएगा, -6। अब एक चीज देखिए, बिना इंटीजर्स लाइन के अगर हमें ये सवाल बोल दे करने के लिए, तो हम क्या करेंगे, हमारा सम क्या था, +5 + -11, ठीक यही था ना। तो अब यहाँ पे मान लीजिए कि एक इंटीजर्स प्लस और एक माइनस, यानी फिर से नेगेटिव और पॉजिटिव, यानी कि यहाँ सब्ट्रैक्ट होगा, तो अगर हम 11 में से 5 को माइनस करेंगे तो हमारा सर 6 आएगा, और जिस जो सबसे बड़ा अंक होता है उसका जो साइन होता है वो हमारा साइन होता है, यहाँ पे 11 का जो साइन है वो माइनस में, इसलिए हमारा आंसर -6 होगा। क्लियर हो गया। अब चलिए सी नंबर सम देखते हैं, सी नंबर सम क्या है, -1 + -7, -1 + -7, यानी कि -1 में हमें हमें 1 से 7 कदम आगे जाना है और माइनस की ओर जाना है, और -7 से भी हमें -1 की ओर, मतलब कि इसमें दोनों तरफ से हमें माइनस की ओर चलना है, यानी कम करना है। तो चलिए इंटीजर्स की लाइन बनाते हैं सी नंबर का, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9। अब क्या था हमारा सम कि -1 से 7 कदम चलना है और -7 से भी 1 कदम चलना है, जो भी ये माइनस की ओर ही जाना है। तो चलिए देखिए, यहाँ पे हमने -1 किया, तो -1 से हमें कम करना है, कितना कम करना है, -7 को। तो अब देखिए क्या करेंगे हम, यहाँ से 7 कदम चलेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, क्या आया हमारा आंसर, -8। अब यहाँ पे अगर -8 आंसर आया, अब यहाँ पे अगर -7 है तो -7 से क्या कह रहा है, दूसरा देखिए क्या है, -7 से हमें क्या बोल रहा है, 1 कदम चलना है, तो हम यहाँ से 1 कदम बस, माइनस है मतलब कि डिक्रीज, लेफ्ट साइड जाएगा, यहाँ भी माइनस है इसलिए हम लेफ्ट साइड ही गए, प्लस अगर कहता तो हम राइट साइड, बट यहाँ पे माइनस ही कह रहा है इसलिए हम लेफ्ट साइड ही जाएंगे। सो इसका भी आंसर देखिए -8, इसका मतलब इसका आंसर होगा -8। अब देखिए तीसरा जो हमारा तरीका है, -1 + -7, दोनों जो है हमारा नेगेटिव इंटीजर्स है, यानी कि यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो अगर हम 7 और 1 को जोड़ेंगे तो हमारा 8 आंसर आएगा, लेकिन अगर दोनों इंटीजर्स माइनस में होता है तो वहां पे हमारा
माइनस का मार्क लग जाता है, इसलिए -8 आंसर। अब डी नंबर सम देखिए क्या है, -5 + 10, -5 + 10। चलिए इंटीजर्स की लाइन बनाते हैं। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व। -1 -2 -4 -5 -6। देखिए क्या सवाल है कि हमें -5 + 10 यानी कि -5 में हमें 10 जोड़ना है और 10 में से हमें -5 कम करना है, यही कह रहा है ना। यानी कि अगर हम 10 के ऊपर खड़े हैं तो हमें यहाँ से 5 कदम क्या करना है, कम करना है, 5 कम करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कम करने के लिए हम इसे डिक्रीज होता है और राइट साइड में इंक्रीज होता है। 1 2 3 4 5, तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, 5 + 5 में आ रहा है। अब अगर ये हम बोलेंगे कि नहीं हम -5 पे खड़े रहेंगे, तो अगर आप -5 पे खड़े रह रहे हो तो वहां से हमें कितने कदम चलना है, हमें 10 कदम जोड़ना है, -5 में हमें 10 कदम जोड़ना है, यानी कि हम राइट साइड की ओर मूव करेंगे, क्योंकि अगर इंक्रीज करने कह रहा है तो हमेशा राइट साइड जाते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्या मिला हमारा आंसर, 5 मिला। इसका मतलब इसका आंसर है 5। अब देखिए एक और तरीके से, तो ठीक है इस तरह से हमने इसका आंसर निकाला 5। अब देखिए क्या था सवाल आपका, -5 + 10, तो इन एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो माइनस हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 5। लेकिन यहाँ पे जो बड़े वाली की जो साइन होती वही होगी, तो +5 में आंसर आएगा हमारा, हो गया क्लियर। यहाँ भी +5 में आंसर आया था, यहाँ भी +5 में आंसर आया। अब ई नंबर सम, ई नंबर सम देखिए, -1 + -2 + -3। तो चलिए हम इंटीजर्स लाइन बनाते हैं। यहाँ पे सारे अंक देखिए माइनस में दिए हुए हैं, यानी कि माइनस का अंक होना चाहिए। चलिए प्लस का थोड़ा सा पॉजिटिव नंबर डाल लेते हैं, 1 2 3 4। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। अब हम मान लीजिए कि हम -1 पे खड़े हैं, -1 ही है ना, तो -1 से हमें क्या कह रहा है, -2 करना है, यानी कि हमें लेफ्ट साइड की ओर 2 कदम चलना है, यानी 1 2, तो हमारा क्या आया, 3 आया, कदम चलना है हमने यहाँ कर लिया। अब इसके बाद हमें क्या कह रहा है, 3 कदम चलना है यहाँ से, तो हम यहाँ से 3 कदम माइनस की ओर चलेंगे, 1 2 3, हमारा क्या आंसर आ रहा है, -6। तो इसका आंसर क्या आएगा, -6 आएगा। अब एक चीज और देखिए, अब आप सोच रहे हो कि ये तो एक ही तरह से सॉल्व हुआ, एक ही तरह से। अब चलिए हम इसको सारे सॉल्व करके दिखाते हैं। अब हमने एक और इंटीजर्स लाइन बनाया, जैसे इस पे 1 2 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 किया। अब हम मान लीजिए इस पे खड़े हो जा रहे हैं -2 पे, ये रहा हमारा -2, ठीक है। अब यहाँ से क्या कह रहा है, एक माइनस, एक कदम चलना है माइनस की ओर और 3 कदम माइनस की ओर चलना है। तो अब हम अगर एक कदम -2 से माइनस की ओर जाएंगे तो हमारा आता है 3। अब अगर हम 3 से हमने एक कदम चल लिया, 2 से हमने एक कदम चल लिया, अब हमें कितना चलना है, 3 कदम माइनस की ओर चलना है यहाँ से। तो अब यहाँ से हम 3 कदम आगे जाएंगे, 1 2 3, तो हमारा क्या आंसर आ रहा है, -6। यहाँ भी हमारा -6 और यहाँ भी हमारा -6 आया। एक और अब रह गया हमारा, एक और इंटीजर्स लाइन बना लीजिए, 0 1 2 3 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। अब मान लीजिए कि हम कहाँ पे खड़े हैं, -3 पे खड़े हैं।
अब माइनस थ्री से हमें एक कदम माइनस की ओर चलना है और दो कदम चलना है। तो सबसे पहले चलिए हम चलते एक कदम। एक कदम अगर हमने चला, हमारा क्या आया, माइनस फोर आया। अब माइनस फोर से हमें दो कदम चलना है। एक कदम तो हमने चल लिया, अब दो कदम चलना है। तो अगर हम माइनस फोर से दो कदम चलेंगे, माइनस फाइव माइनस सिक्स, तो हमारा क्या आंसर आया। अगर हम तीनों तरीका से कर रहे हैं तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, माइनस सिक्स ही आ रहा है। अब हम इसको और बिना इंटीजर्स लाइन के देखेंगे, माइनस वन प्लस माइनस टू प्लस माइनस थ्री। अगर सारे नंबर नेगेटिव इंटीजर्स हैं तो क्या होता है, ऐड हो जाता है। तो अगर हम इन सबको ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, सिक्स। और जिसका सबसे बड़ा का क्या है, हमारा साइन माइनस है, तो माइनस सिक्स आंसर। क्लियर हो गया क्वेश्चन। माइनस टू प्लस एट प्लस माइनस फोर, यानी कि माइनस टू है प्लस एट है प्लस माइनस फोर है। एट के आगे कोई निशान नहीं, यानी कि ये प्लस में है। ये हो गया। चलिए इंटीजर्स लाइन बना लेते हैं। इंटीजर्स लाइन हमने बना लिया, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव। अब मान लीजिए सबसे पहला अंक हमारा क्या दिया है, माइनस टू। हम सबसे पहले माइनस टू पे खड़े होके देखते हैं, ठीक है। हम इस माइनस टू पे खड़े हो गए, माइनस टू से हमें कितना कदम चलना है, प्लस करना है, कितना, आठ। अगर हम प्लस करेंगे तो हम कहाँ जाते हैं, राइट साइड में जाते हैं। तो राइट साइड में जाने के लिए हम इधर चलेंगे, आठ कदम, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ। जब हम आठ कदम चले तो हमने क्या पाया कि हमारा सिक्स आया। जब सिक्स आया तो उसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें आठ के बाद माइनस फोर, यानी कि हमें अब सिक्स से हमें क्या करना है, चार कदम माइनस, यानी कम करना है। कम करने के लिए हम कहाँ जाएंगे, लेफ्ट साइड जाएंगे। तो लेफ्ट साइड अभी हम चलते हैं चार कदम, एक दो तीन चार। हमने क्या पाया, हमने दो पाया, दो, यानी कि हमारा आंसर क्या होगा, दो, ठीक है। अभी हम चलिए नेक्स्ट, क्योंकि हम तीनों तरह से करके दिखाएंगे ना, तीनों तरह से करके जब दिखाएंगे तो एक और इंटीजर्स लाइन बनाएंगे। इंटीजर्स लाइन हमने बनाया, वन। अब मान लीजिए हमने यहाँ किया, अब हमारा मन करे हम प्लस एट पे खड़े होंगे, हमारी मर्जी, हम कहीं भी खड़े हो सकते हैं, क्योंकि कहीं भी खड़े होके हमें आंसर निकालना है। तो हम यहाँ पे प्लस एट पे खड़े होंगे। प्लस एट से क्या कह रहा है, माइनस फोर की ओर जाना है, माइनस दो, यानी हमें कम की ओर जाना है, लेफ्ट साइड ही जाना है, माइनस फोर माइनस टू। हम यहाँ से चार कदम पीछे चलेंगे, वन टू थ्री फोर, कहाँ पहुंचे हम, फोर पे पहुंचे। अब हम फोर पे पहुंच गए तो हमें अब क्या करना है, माइनस टू, मैंने दो कदम और पीछे जाना है, यानी लेफ्ट साइड जाना है। अब अगर यहाँ से हम दो कदम चलते हैं, मान लीजिए फोर पे आए तो वन टू, क्या आया हमारा, देखिए टू आया, इसमें भी टू इसमें भी टू। अब हमारा तीसरा देखना, चलिए तीसरा करते हैं। उसके लिए हम इंटीजर्स की लाइन बनाते हैं। अब हमने माइनस टू कर लिया, प्लस एट कर लिया, अब हम माइनस फोर, अब हम माइनस फोर पे जाके स्टैंड करेंगे खड़े। ये रहा हमारा माइनस फोर। अब माइनस फोर से हमें प्लस एट जाना है और हमें माइनस टू की भी ओर जाना है, यानी कि प्लस एट का मतलब हम राइट साइड की ओर चलेंगे, आठ कदम, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ। हमारा क्या मिला, चार मिला। अब हमें क्या करना है, दो कदम माइनस की ओर जाना है, कहाँ से, फोर से माइनस की ओर जाना है, यानी राइट लेफ्ट साइड जाएंगे, वन टू। अगर हम चार से दो कदम जब यहाँ से गए तो हमारा क्या आया, टू आया। तीनों मूवमेंट में हमने जो क्या आंसर आए, हमारे टू आंसर है। इस तरह से हमारे ए से लेकर एफ तक का सॉल्यूशन क्लियर हो गया। सो आई होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा और वीडियो अच्छे से समझ में आया हो। अच्छे से समझो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, कोई भी डाउट हो तो क्लियर करें। तब तक के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।